खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बद्री बिल्डिंग के रहवासी है। हम लोग ने ये गेट ना बने इसके लिए हम लोग ने बीएमसी में भी कंप्लेन किया और पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया हुआ है कि भाई ये क्योंकि गेट बनेगा तो बहुत हैरेसमेंट होगा, न्यूसेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए अगर कॉलेज वाले के पास उनके पास है अगर परमिशन तो हमको परमिशन बताएं। और वैसे भी हमको पूरा नॉलेज है कि विदाउट परमिशन इलीगली बन रही है, कोई सपोर्ट चाहिए हमको ऐसा कि भाई वो ये गेट नहीं बने उसके लिए। अगर यहाँ पर गेट बनेगा तो हम सभी रहवासियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इधर हमारे बच्चे भी हैं, हमारी यहाँ के और लेडीज़ औरतें भी हैं, और ये कॉलेज की बहुत सारी तकलीफ है यहाँ पे। तो हम पीएमसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गेट न बने और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो बच्चे लोग को यहाँ के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह है कहाँ से आते वो हमें कुछ पता नहीं है, और बाकी यहाँ पर बहुत कॉलेज मिसयूज हो बहुत हो रहा है, और जिसके वजह से हमारे घर की लेडीज़ लोग को भी प्रॉब्लम्स हो रहा है और माता भी उन लोग को भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। गेट नहीं बने तो ये सबसे अच्छी बात है। जय महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र शिव वादुक सेना हाजी बारफा शेख विंग के चिटनीस हूँ, और हमारे जो दाऊदी बोहरा समाज है उनके मैं पीआरओ हूँ शिव वादुक सेना के तरफ से। अभी उनका एक ये मुद्दा है कि यहाँ जो बद्री बिल्डिंग है, जो आप ये देख रहे हो ये बिल्डिंग, उनके बाजू में ये कॉलेज है, स्प्लेंडेड कॉलेज है। ये कॉलेज में एक ऑलरेडी मेन ये कॉलेज का ऑलरेडी एक गेट बैक साइड पे है उधर, जहाँ से आराम से ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल सब आराम से आ सकती है। उसके बावजूद भी यहाँ एक हमारे विंग के बाजू में ही बाजू एक दूसरा गेट बन रहा है, जो इनके बाजू के गेट बन रहा है, और उनका कहना है कि ये जो स्ट्रक्चर वो इल्लीगल है। तो अभी मैंने जाके हमारे जो एई साहब है अमूल साहब और अमूर केरकर साहब, दोनों से मैंने बात किया और उन्होंने सहयोग दे के उनके अधिकारी को यहाँ भेजा उन्होंने ये कॉलेज में, और उनसे उन्होंने बोला है कि अभी ये काम आप स्टॉप करो, और पहले आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट है जो आप जो ये गेट बना रहे हो, आपको परमिशन दी गई है गेट बनाने की, तो आप पहले हमको बताओ, नहीं तो जो भी प्लास्टर करके जो भी जो बाउंड्री वॉल है वापस से वैसे की वैसी बना दो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे खुशी है कि बीएमसी मुझे पूरी कॉर्पोरेट कर रही है, और मैं वो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बीएमसी उस पर कड़ी कार्रवाई करे, और यहाँ मेरे जितने भी मेरे समाज के लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उनके वहाँ उनकी बहन है, माता है, कल उसके वो ना हो कि यहाँ का क्राउड के हिसाब से कोई छेड़ रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये गेट जो है
जस्ट ये बिल्डिंग को लग के बन रहा है और हमें और मुझे एक और प्रॉब्लम है कि मैं वाहतुक सेना का एज अ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के हिसाब से ये मेरा MG रोड ये पीछे बैक रोड MG रोड है और यहाँ ट्रैफिक क्रिएट हो सकती है जो वापस से प्रॉब्लम क्रिएट देगी हमारे BMC ट्रैफिक डिपार्टमेंट को। तो मैं वो चाहता हूँ कि वाहतुक डिपार्टमेंट को भी कोई परेशानी ना हो और अगर ये इलीगल है तो इस पर स्टेप लेना चाहिए। जय हिंद जय महाराष्ट्र। ये जो ये है बद्री बिल्डिंग है जो ये धानुकरवाड़ी में मथुरादास रोड एक्सटेंशन हमारे जो भोरा कॉलोनी है उसके बाजू में भोरा मस्जिद के बाजू में है और ये जो कॉलेज है जिसमें ये मुद्दा उठा रहे हैं वो स्प्लेनेट जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। मैं पर्सनल जाके उनको बोल के भी आया है हूँ कि अगर आपके पास ये परमिशन है तो आप करो पहले हमको दिखा दो या तो BMC को जाके दिखा दो कि आपके पास ये परमिशन है डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ कहाँ ना कहाँ तो इनलीगल तरीके से काम हो रहा है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वो दाऊदी बोरा समाज की प्रॉपर्टी है और उनको 99 ईयर्स के लिए लीज के लिए ये दी गई प्रॉपर्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ होती है तो मुझे 100% मालूम है कि लॉ के अंदर आता है कि पहले हमारे यहाँ से NOC लेनी चाहिए उनको जो हमारे दाऊदी बोरा समाज के वहाँ से। तो अगर उन्होंने NOC ली है अगर उन्होंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से NOC ली है अगर उन्होंने फायर ब्रिगेड वाले से परमिशन ली है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर नहीं है तो मैं पूरे इस पर जब तक ये दीवार नहीं बनेगी जब तक मैं इस पर पूरे डट के कार्रवाई करूंगा और जरूर पड़ी तो मैं पुलिस की भी 100% सपोर्ट लूंगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। और 100% आगे बढ़ी है और बढ़ी रहेगी जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता मेरे भरा समाज का जब तक मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मुर्तजा।